रोल बॉल क्लब के प्रतिनिधि अंकित श्रीवास्तव ने बताया कि 23 मार्च से सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में बास्केटबॉल का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा, यह प्रतियोगिता 3 दिन चलेगी तथा पूरे उत्तर प्रदेश से 40 टीमें भाग लेंगी। यह प्रतियोगिता कोविड-19 के सारे नियम को ध्यान में रखते हुए कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बास्केटबॉल की प्रतियोगिता है, जिसका उद्देश्य इस तरह के खेल को बढ़ावा देना है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए क्लब के प्रतिनिधि अंकित श्रीवास्तव ने कहा, इन शॉर्ट ये जो है, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, अंकित श्रीवास्तव गोरखपुर का रहने वाला हूं। रायपुर छत्तीसगढ़ बेस्ड एक कम्युनिटी है रोल बोल, जिसका मैं गोरखपुर रिप्रेजेंटेटिव हूं। साथ में हमारे भाई हैं प्रबल रंजन श्रीवास्तव, ये मेरा सब में साथ दे रहे हैं। हम दोनों ऑर्गेनाइजर हैं और ये हमारे साथ हैं प्रखर रंजन श्रीवास्तव, हमारे छोटे भाई। ये इस पूरे इवेंट का मैनेजमेंट लीड कर रहे हैं। ये जो इवेंट है रोल बॉल बास्केटबॉल लीग सीजन 1, ये यूपी ईस्ट का सबसे बड़ा बास्केटबॉल लीग होगा, जो कि 23, 24 और 25 मार्च को सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। इसके इनॉग्रल सेरेमनी जो है वो 4 PM सैयद मोदी में होगी 23 तारीख को। 40 टीम्स पार्ट वाले रहेंगे, इसमें से स्कूल, कॉलेज, गर्ल्स ये सारे ओपन। इसमें जो है लखनऊ डिस्ट्रिक्ट, कानपुर डिस्ट्रिक्ट, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, BHU, ये सारी टीम्स पार्टिसिपेट ले रही हैं। यहाँ पे लोकल जो टीम्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो स्कूल की टीम्स हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे प्रतिभाग करने के लिए एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन फीस है, एक वेबसाइट है हमारा रोल बॉलर्स करके, उस पर जाके आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। 2500 रुपीज़ ओपन टीम के लिए रजिस्ट्रेशन फीस है, स्कूल के लिए 3000 रुपीज़ है।